नमस्कार। पिछले दो सालों की देरी से वापसी के बाद अब मानसून 9 अक्टूबर को 3 दिन पहले ही पुणे से वापस चला गया। मौसम विभाग ने इसकी जानकारी शुक्रवार को दी। आपको बता दें कि इस बार मानसून में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। जहां एक ओर देश के कुछ हिस्सों में बारिश की कमी हो गई, तो वहीं कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी नौबत आ गई। जून से सितंबर के दौरान कम से कम 82 सेंटीमीटर की बारिश हुई, जिसका एवरेज 94% रहा। IMD ने बताया कि इस बार 4% की कमी को देखा गया है। IPCC की माने तो हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ग्लोबल वार्मिंग से ज्यादा बारिश की घटनाओं में कम से कम 7% की बढ़ोतरी होती है। हमने अभी अभी जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून की बेरुखी का अनुभव करना शुरू किया है। इस साल मानसून में अगस्त लगभग 100 सालों में सबसे ज्यादा सूखा रहा, जहां उत्तर भारत में रिकॉर्ड तोड़ वर्षा हुई, जिस कारण हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में बाढ़ की स्थिति बन गई। वहीं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार और कर्नाटक में सूखे जैसी हालात हो गए। इसका असर रबी और खरीफ की फसलों पर भी देखने को मिला। देरी से बुआई और कटाई को लेकर इकोनॉमी पर भी असर पड़ता है। सरकार ने इस साल मानसून में बदलती प्रकृति के कारण चावल, गेहूं और चीनी के निर्यात पर भी रोक लगा दी। डिमांड और सप्लाई में जरा सा भी फर्क आ जाए तो महंगाई भी सर उठा लेती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मानसून में होने वाले परिवर्तन और अड़चने समस्याएं पैदा करती हैं। इस बढ़ती हुई समस्या के लिए समाधान भी नए होने चाहिए, जैसे खेतों में सिंचाई के लिए नई टेक्निक को लाना, पानी सभी गाँवों तक पहुँच सके इसको संभव बनाना और अनाजों के भंडार को बढ़ाना। ये सभी प्लानिंग ऐसी है जिसको अपनाना बहुत जरूरी हो गया है। साथ ही हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हम प्रकृति के साथ कम से कम छेड़छाड़ करें, ताकि प्रकृति का नुकसान हमें ना हो पाए। इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।